मम्मी इमोशनल हो गई हमारी ऐसे भेज के। अरे रे रे, बहुत इमोशनल हो गई है। हेलो गाइस, आज का जो व्लॉग है बेसिकली ये एक पढ़ाई से रिलेटेड व्लॉग नहीं है। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल चीज के लिए है, दैट इज अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो स्पेशल चीज क्या है। अभी हम आ गए मेट्रो स्टेशन। उनसे यार इसलिए मिलने आए बिकॉज यहाँ पे ना वो इस परिक्रमा को पूरी करने में उनका लगभग 7 से 8 महीने लग जाएंगे। तो अब दोबारा उनको सी ऑफ मतलब उनको देखने का जो चांस मिलेगा वो 7-8 महीने बाद ही मिलेगा। दैट्स व्हाई आज मिल लेते हैं उनसे। हम आ गए हैं हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन और अभी बस मिलने ही वाले हैं। मैं आपको मिलाऊंगा उनसे भी, ठीक है। और वो रहे सामने मामा जी और नाना जी। ये देखिए, ये जाएंगे नर्मदा परिक्रमा। मामा नमस्ते, 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 नमस्ते। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, नर्मदे, नमस्ते। अरे उधर उधर जाओ, उधर जाओ, उधर। अरे उधर एक भेजने लग जाएंगे। ये है मामा जी, ये जा रहे नर्मदा की परिक्रमा देने। मुझे नहीं पता भाई, नाना है, ये जा रहे नर्मदा की परिक्रमा देने और इट इज अबाउट 3,600 किलोमीटर और इनको आने में अप्रॉक्स 7 से 8 महीने लग जाएंगे। That's why we are here to meet up. यो तो अपना प्रचार कर। And ये मामा जी है मेरे, ठीक है। ये इनको छोड़ने आए, हम लोग भी इनसे मिलने के लिए आए। हाय हाय, हाय बोलो, हाय 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 हाय। ये देखो ये तो इनकी धोती देखो, ये पूरे भक्त है। ये भी जा रहे हैं परिक्रमा देने के लिए। किसी और को 200 रुपए लेना, भाई से कांटेक्ट करो। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बन गए। ये तो बस मेट्रो में तो एसी चलेगा। नाना मजा आ रहा है, है? हाँ और क्या, आपका कोई मैसेज हम सब के लिए? नर्मदे हर, हाँ जिसको नहीं पता नर्मदा रिवर मैं बता देता हूँ। इट इज सबसे पहले आपकी डेक्कन प्लेट्यू आएगा, उसके जस्ट नीचे नर्मदा रिवर, देन सतपुरा रेंज और तापी रिवर। ये जो रिवर्स हैं ये पहाड़ों के बीच का रास्ता है पूरा एकदम से, और वहाँ पे जाने वाले हैं। एंड इट इज, ये पूरा राउंड मारोगे आप? इसकी जो परिक्रमा स्टार्ट होती है मतलब नदी की, तो नदी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जहाँ विंध्याचल और सतपुरा दोनों मिलते हैं। अच्छा, जहाँ विंध्याचल और सतपुरा दोनों मिलते हैं वहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसको मैकालो मैकाले प्लेटो बोलते हैं। हाँ हाँ, वहाँ से होती है। ओके ओके, मैकाले, हाँ मैकालियन प्लेटो है, वहाँ से स्टार्ट। ओके ओके, वहाँ से स्टार्ट होती है। वहाँ से 2-3 नदियाँ और भी स्टार्ट होती है लेकिन सबसे मेन यही है। ओके ओके ओके, नदी वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है, पूर्व की तरफ चली जाती है। हाँ हाँ हाँ, और वहाँ से शुरू होकर फिर ये मध्य प्रदेश में चलती जाती है, उसके बाद थोड़ी देर महाराष्ट्र में चलती है, अंत में गुजरात में जाके ट्रेन हो जाती है पूरी अरब में जाके और रत्नासागर में। अरे वाह, नाइस। तो कितने दूर का टूर रहेगा आपका तरफ? हमें नहीं पता हमारा कितना दूर का टूर रहेगा, लेकिन जो नदी की लंबाई है वो है 1317 किलोमीटर।
लेकिन ये तो नदी की लंबाई है, लेकिन हम नदी में तो ट्रेवल नहीं कर रहे। हाँ, वो तो है। We would be traveling round it. Round it. So, whenever the path is there, whether it's a कच्चा और whether it's a पक्का, बिल्कुल। So, we'd be traveling by that. So, the exact path is not known, but might be round out 3000 or something like that. Oh, nice one. बहुत 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 मजा आने वाला है एक्चुअली इस जर्नी में। I wish them both of them all the best, all the very best. हाँ, आधार कार्ड की फोटो कॉपी हाँ गाड़ी में रखी है। ठीक है, रहने दे। आपके वाली गाड़ी में रखी हुई है, दूर है, बहुत दूर है गाड़ी यहाँ से। तो आधार कार्ड की कॉपी आपके पास भी नहीं, एक भी नहीं है क्या? तो फिर मैं ले आता हूँ, रुको दो मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बस ठीक है, फिर तो सही है तो ठीक है। ठीक है, वैसे एक बात है, आप जा रहे हो लगभग कितना, 1300 किलोमीटर मामा ने लेंथ बताई है ना? 1300 नहीं, तो 3500 नहीं, वो तो टोटल राउंड अप हो गया ना पूरा। हाँ, एक तरफ 1700 से 1800 के बीच में एक तरफ का है, एक तरफ की है ना? हाँ, मतलब ऐसा था। एक तरफ की कितनी लेंथ है? एक तरफ की 1700 से 1800 के बीच में। ओके, तो ये हो गया। फिर अरब सागर में जहाँ जाके गिरती है नर्मदा हमारे भैया, वहाँ से फिर सागर को क्रॉस करते हैं नाव में बैठ के, और फिर दूसरे किनारे पाते हैं। ओके, ओके, ओके। फिर वहाँ से दूसरा वो शुरू होता है। बहुत तगड़ी ट्रिप होने वाली है बेसिकली, है ना? ओके, वैसे एक बात है, जाना चाहिए था मेरी, जाना तो मेरी चाहिए था। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, इनका पेट देखो। आओ आगे देखेंगे, ये 3600 किलोमीटर चल के आएंगे तो इनका पेट देखेंगे कितना बनेगा, है ना? वजन, हाँ वजन, वजन करना चाहिए। कितना वेट है? 90, 90 किलो एग्जैक्ट, 90। विदा कर रहे हैं, दोबारा मुलाकात 8 या 9 महीने के बाद होगी इनकी। मैं भी कोशिश करेंगे कि भाई ये लोग भी अगर 20 किलोमीटर भी एक दिन में चलेंगे तो भी जाके यार काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना? बट 20 किलोमीटर एज के हिसाब से शायद मुश्किल होगा। धीरे 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 ये लोग पूरी करेंगे उस पर। नाना जी मम्मी इमोशनल हो गई हमारी ऐसे भेज के। अरे अरे अरे, बहुत इमोशनल हो गई है। आई होप इनकी जर्नी बहुत अच्छी हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पैरों में ज़्यादा पैर दर्द ना करें, ठीक है? और अपने मामा, ए धोती वाले मामा, अरे इधर तो देखो स्वामी जी स्वामी जी बिजी है अभी अपनी नर्मदा रास्ता में। दो चार महीने की तो बात है, चलो हमने छोड़ दिया है नाना जी को और अब हम घर जा रहे हैं चारों की चारों, ठीक है? ठीक है, चलो चलो। मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई है बस उन्हीं को थोड़ा शांत कराने में लगे हुए हैं, बाकी नाना जी भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे एंड बाकी बस चलो अब चलते हैं घर पे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर मिलते हैं। सीट बेल्ट लगा लेते हैं यार। हाँ, अभी हमने छोड़ दिया नाना को और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ एंड उसके बाद मिलते हैं फिर स्टडी टेबल पे। बाकी आई होप कि उनकी जर्नी बहुत अच्छी हो, बिकॉज यार नाना जी भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे एंड रोने लग गए थे वो भी, कि यार 5-6 महीने बाद, वैसे कैसे अभी रहे नहीं है ना ऐसे, तो 7-8 महीने बाद घर पे आएंगे और वो भी पूरा एकदम चल बन के। तो 3600 किलोमीटर यार कोई नॉर्मल नहीं होता,
इतना टाइम तो लग ही जाएगा उनको कवर करने में, और फिर एज फैक्टर भी है एंड ऑल दैट, तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी हिम्मत बहुत होती है यार ऐसे सेलेक्ट करना भाई, 3600 किलोमीटर चलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, पैदल चलना और पूरा एकदम घूम के आएंगे एमपी गुजरात पूरा सब कुछ राउंड मार के आएंगे वो, ठीक है। तो बाकी बात तो होती रहेगी हमारी डेली, रोज तो कॉल करूंगा ही, मैं अपडेट देता रहूंगा। बाकी लेट्स सी, अब आई होप कोई परेशानी ना हो बस बीच में, बिकॉज जब कोई बंदा ऐसे कोई जर्नी शुरू कर रहा है तो बीच में छोड़नी ना पड़े बस, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें होती है, तो आई होप कि भगवान उसको हिम्मत दे, है ना। ओके तो चलो मिलते हैं स्टडी टेबल पे। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।